दो एकादश होए, माधव मेरे घर में तो रोज एकादश होए। दो माह एक पग, दो महीने एक महीने में दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण, उनमें दो एकादशी आती है। माधव तेरी तो इतनी कृपा है कि हम तो रोज एकादशी करते हैं। अहमदाबाद वाली नहीं बोलो जैसे कृष्ण बिल्कुल भूखा रहे कि हम एकादशी करते। सूचना दे दी सुदामा, चलते 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 पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में डंडा लेकर सुदामा जा रहे हैं। कथा आप सब जानते हैं। जाते 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 द्वारका निकट आने लगा, परंतु भगवान रहते हैं बेट द्वारका में और बीच में समुद्र है, समुद्र के बीच नगरी है बेट द्वारका। जा रहे थे, बहुत थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और थके हुए सुदामा, पैर से खून निकल रहा था और द्वारकाधीश को चिंता हो गई कि मेरा मित्र आ रहा है परंतु कष्ट में है, आंखें बंद हो गई, नींद आ गई और नींद तो ऐसी आई कि आंख खुली सुदामा बेट द्वारका में, बोलो जय श्री कृष्ण। देखा तो चारों ओर बड़ी बड़ी अटारियां, बड़े बड़े नहर, बड़े बड़े झरूखे और बड़े बड़े सैनिक चारों ओर। सुदामा सोच रहे मैं कहां आ गया, ये वैकुंठ है कि पृथ्वी है। किसी से पूछा गया, भाई ये क्या है? अब वहां तो सब गुजराती थे ना, बोलो जय श्री कृष्ण, द्वारका तो गुजराती। तो सुदामा ने पूछा ये सब क्या है, तो किसी ने जवाब दिया द्वारका छे। तो यूपी में हमारे गुरु जी कहते थे कि सुदामा जी को कहा गया द्वारका छे, तो सुदामा जी ने समझ लिया कि ये छे नंबर की द्वारका है, तो पहले नंबर की कहाँ है, बोलो जय श्री कृष्ण। कहा द्वारका छे, ये तो द्वारका है परंतु मेरे भगवान की द्वारका कहाँ है? एक सिपाही ने बताया कि दो द्वारका है, एक बेट द्वारका और एक मूल द्वारका। मूल द्वारका भगवान द्वारका जिसका महल है, जहां राज पाठ होता है, और ये बेट द्वारका भगवान का घर है। ये जितने महल दिख रहे हैं ना, वो उनके पटरानियों के महल है। ओ, तो भगवान इसी में रहते हैं? हाँ जी, इसी में रहते हैं। सुदामा खड़े हुए, जरा सा वस्त्र ठीक किया, डंडा हाथ में लिया, चलते 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 दरवाजे पर गए। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, कहा मुझे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है और सहज प्रश्न किया, तुम कौन हो? और ध्यान दीजिएगा, कपड़े को देख के प्रश्न होते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। कपड़े टूटे फूटे हो, गंदे हो और अच्छे नहीं हो तो लोग यही तुम करके बुलाते हैं, और अच्छे कपड़े हो तो महाशय आप कहां से आए, आप कौन है? हमारे गुरु जी कहते थे कि विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेण च, ये पांच वस्तु से व्यक्ति की तुलना हो जाती है। विद्या सबसे पहली अच्छी चीज, व्यक्ति बोलता है ना, बोलने पर से पता चल जाता है सूरत का है, मेहसाणा की, अहमदाबाद, मुंह खुलता है और पता चलता है आदमी कहां से आया। तो वाचा से, विद्या से, वपुषा शरीर से, शरीर पर से पता चल जाता है व्यक्ति अच्छे घर का है कहां का है। वपुषा वाचा वस्त्रेण, अच्छे कपड़े पहन के पता चल जाए। सुदामा जी के कपड़े अच्छे नहीं थे, इसलिए कहा तुम कहां से आए हो? सुदामा जी को दुख लगा कि इतने बड़े द्वारकाधीश राजा के वहां ठीक से बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, पर खैर प्रभु की इच्छा। पूछा कहां से आए हो तुम? कहा कि मैं तो पोरबंदर से आया हूं। क्यों आए हो? बोले द्वारकाधीश को मिलना है, वो मेरे मित्र है। तुम्हारे मित्र? द्वारपाल मजाक करने लगे, दुख तो हुआ पर खैर मित्र है तो है, अब क्या हो गया, अब धनवान और गरीबी में मित्रता तो होती है। सुदामा ने कहा भाई मैं मित्र हूं, मैं उनसे मिलने आया हूं। ज्यादा बातें हुई, कहा कि एक बार जाके तो आपके भगवान को कहिए, यदि वो मना करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। एक सिपाही दूसरे के पास गया, दूसरे तीसरे को सूचना दी, तीसरे ने चौथे को, करते 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 भगवान के राजभवन पर छठी मंजिल पर एक सुवर्ण का झूला था और उसमें भगवान द्वारकाधीश झूल रहे थे। रुक्ष्मणी उनके चरण दबा रही थी और सत्यभामा और कालिंदी उनको पंखे से चावल डुला रही थी। और एक सिपाही आया दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, और समाचार पहुंचा द्वारकाधीश के पास, राजाधिराज द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भगवान द्वार पर आपको मिलने के लिए आपका कोई मित्र। और मित्र शब्द जब सुना तब भगवान द्वारकाधीश की आंखें सतेज हो गए। कौन? क्योंकि कृष्ण के जीवन में केवल दो मित्र है, और एक है सुदामा और एक है उद्धव जी। ये दो मित्र है, दोनों में अंतर है। एक को भगवान ने मित्र बनाया और एक के भगवान मित्र बन गए, ध्यान दीजिएगा। उद्धव ज्ञानी थे इसलिए भगवान ने उसको मित्र बनाया,
और सुदामा भक्त थे और भगवान उनके मित्र बन गए, बनाना नहीं पड़ा, मित्र बन गए थे। सुदामा परम मित्र, और कान में समाचार मिला आपके मित्र मित्र शब्द सुनते आंख एकदम सतेज हुई, और सुदामा तीन शब्द जब कान में आए द्वारकाधीश भगवान ने जोर से उस अब अपने अपने झूले को छोड़ दिया, पत्तियों को धक्का देकर भगवान खड़े हो गए। रुक्ष्मणी सोचने लगी भगवान को अचानक क्या हुआ, सरदार द्वारका का मुख जमीन पर गिर गया। दौड़ने लगे उद्धव अक्रूर बलराम जी सब भगवान के पीछे जा रहे, क्या हुआ क्या हुआ, दौड़ रहा है कृष्ण, अपना दुपट्टा गिर गया। दौड़ते दौड़ते द्वारका दिन दरवाजे पर आ गए और दूर खड़े हुए सुदामा को दूर से देखा, दूर से देखा, बहुत सालों के बाद दिखाई दिया, इसलिए कैसे जाऊं क्या बोलूं, यहां से सुदामा चल रहे हैं, यहां से भगवान, और बीच में आए एक दूसरे को हाथ पकड़ के कई क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे, सुदामा भगवान को, भगवान द्वारकाधीश को। और अचानक जोर से भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने गले लगाया, पूरी दुनिया देखती रही कहां विश्व का सबसे समृद्ध धनवान व्यक्ति और कहां एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति, इन दोनों की मित्रता कैसे संभव है। लोगों को कभी कभी सूख हुई, आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, ये कौन है, आज तक भगवान ने सुदामा के बारे में अपने पत्नियों को नहीं बताया था कि उनका मित्र है, पत्नी भी आश्चर्य में, परंतु कुछ बोले नहीं। और सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान द्वारकाधीश अपने कमरे में ले गए, जिस जगह पर स्वयं बैठते थे वहां सुदामा को बिठाया। रुक्ष्मणी तो देखती रही, अब ध्यान दीजिएगा रुक्ष्मणी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी ने जिसका घर छोड़ दिया था आज वो ही लक्ष्मी उसको देख रही है, ताक रही है, क्या हो रहा है ये, और देख रही थी। भगवान ने चिल्लाते हुए कहा जाओ जल्दी, देखती नहीं हो मेरे मित्र आए हैं, उसके चरण धोना है, उसका पग धोना, जल्दी जाओ पानी ले आओ। साफ जिस लक्ष्मी ने एक दरिद्र का घर छोड़ दिया था, आज वो लक्ष्मी उसी गरीब का पग धोने के लिए, पानी लेने के लिए दौड़ी, आते हुए देरी हो गई और हाथ में चरण को पकड़ लिया था धोने के लिए। और द्वारकाधीश ने सुदामा के चरण को देखा तो कई कांटे लगे थे, खून निकल रहा था, एक कांटा निकाला और भगवान ने कहा कि मित्र मैं वचन देता हूं आज के बाद एक नहीं तुम्हारे सात जन्म तक की दरिद्रताओं को मैं बाहर खींच लिया। भगवान ने एक कांटा निकाल के पानी लेके आने में देरी लग गई और भगवान ने अपनी अश्रुधाराओं से उनके चरण प्रक्षालन करना शुरू कर दिया। रोने लगे प्रभु और आंखों के आंसू सुदामा के चरण पर गिरने लगे, पग धोला, इतने में पानी आया, पग धोया, अच्छे वस्त्र दिया और बड़ी बड़ी सुंदर बातें होने लगी, सुंदर थाल बनाया, एक थाली में भोजन शुरू किया। बोलो जैसे कृष्ण, ये गलत परंपरा है, एक थाली में भोजन खाना चाहिए नहीं, पर हमारे गुजराती खाते हैं, बोलो जैसे कृष्ण। अलग अलग देशों की अलग अलग परंपरा शास्त्रों में बताई, उत्तरे मातुली दक्षिणे मातुली कन्या उत्तरे मांस भोजनम गुर्जरे अशुद्ध भोजन, ये अलग अलग परंपराएं हैं। अब दक्षिण में जाएंगे तो मामा की पुत्री से शादी करते हैं, तो वहां की परंपरा है। अब बंग प्रदेश में बंगाल में जाएंगे अच्छे से अच्छा विद्वान होगा पर वो मच्छी खाएगा, वहां मां को भोग समर्पित करेंगे और वो प्रसाद को खाएंगे, उनकी परंपरा है। चर्मोदकम तो वैद्यानाम, जो वैद्य होता है, जो औषधि बनाता है, डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेदिक, वो दवा को चमड़े की बोतल में भरते हैं, अब ये नियम है उनका, उनकी परंपरा है। चमड़े की एक बोतल आती है उसमें दवाई बहुत लंबे समय तक रहती है, उसमें अर्क भरा जाती है, ये एक परंपरा है वैद्य शास्त्रों की, तो वो वहां की परंपरा है। उसी तरह से भगवान ने द्वारकाधीश ने और सुदामा ने एक थाली में खाया, इसलिए गुजराती में कहावत पर हो गई कि एक थाली में जूठू खाओ तो प्रेम वधे, बोलो जय श्री कृष्ण, वहां की कहावत है, एक थाली में खाते हैं। खैर भगवान ने द्वारकाधीश ने और सुदामा ने एक थाली में खाया, एक एक निवाला लेकर मित्र को खिलाया। और कृष्ण सोच रहे कि मित्र तूने भी नहीं खाया और इतने सालों समय से तुम्हारी पत्नी बालक भी भूखे रहे। खैर ये सब बातें हुई, भगवान ने बहुत खिलाया, एक दिन दो दिन झूले पर बैठ के काफी बातें हुई, लक्ष्मी सब देख रही है, पत्नियां सब देख रही है, सब क्या हो रहा है, तीन दिन से हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भूल गए। एक दिन हिम्मत करके रुक्ष्मणी जी ने पूछा ये कौन है भगवान,
ओ भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता ये मेरे बचपन के परम मित्र मेरे सखा सुदामा है, पोरबंदर में रहते हैं, बड़े सज्जन है, एक विद्वान कुलीन ब्राह्मण है, उनके वहां कोई वस्तु की कमी नहीं है। सुदामा ने कहा कब तुम गिनने आए हो, गिनती में ही नहीं आती वस्तु। परंतु भगवान वस्तु नहीं गिनते, भगवान सद्गुण गिनते हैं। एक भी ऐसा सद्गुण नहीं जो उसके घर में न हो। रुक्ष्मणी सब समझ गई, रुक्ष्मणी से ध्यान दीजिएगा, रुक्ष्मणी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी और भगवान के बाद बीच में ये सब बातें हो रही है। भगवान ने कहा कि रुक्ष्मणी इसके घर में एक भी अवगुण नहीं है। लक्ष्मी चुप है, उसका मतलब ये है कि लक्ष्मी तुमने उसका घर क्यों छोड़ दिया, ये ब्राह्मण है इसलिए। कटाक्ष किया भगवान ने, ध्यान रखिएगा एक कथा और आएगी। बोलो जैसे कृष्ण, लक्ष्मी ने ब्राह्मण का घर छोड़ दिया है, श्राप है ब्राह्मणों को कि मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहूंगी। उसका उपाय भी है, बोलो जैसे कृष्ण। आजकल तो ब्राह्मण पर बहुत सा विश्वास है, लक्ष्मी जी की कृपा है तभी तो है सोना चांदी, बोलो जैसे कृष्ण है। उसकी एक और कथा है, तो आते रहिए, कभी भी आ सकते, आज नहीं कल नहीं परसों। कटाक्ष किया, क्या है महालक्ष्मी आपने सुदामा के घर को छोड़ दिया, उसके घर में एक अवगुण नहीं है। छोड़ो सुदामा, तुम बताओ तुम्हारे बारे में, सब परिवार में ठीक है, सब कुशल मंगल, बस प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है, द्वारकाधीश आपकी दया दृष्टि में हम सुखी है। देखो रुक्ष्मणी, याद सुना नहीं है, इतना दुख है फिर भी मुझे नहीं कहता मेरा मित्र के मेरे जीवन में क्या दुख है, अभी भी वो सुख की अपेक्षा। शादी हो गई सुदामा? हाँ प्रभु कृपा से शादी हो गई, दो चार बच्चे भी है, प्रभु की कृपा है और प्रेम से रहते हैं। सुदामा ने प्रश्न किया, आपको सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, दिख रही रहो ना इतना। सुदामा ने, हाँ दिख रहा है, बहुत सुखी हो तुम तो। अच्छा शादी हुई? भगवान ने कहा ये जो है सब अपनी है, घरवाली 16108। सुदामा ने कहा 16108? बोले हाँ, उसमें मेन मेन जो है ना वो 8 है, अष्टपटराणी। ओहो, तो कब हुआ? बोले कहानी बड़ी लंबी है, शादी लगता है भागवत सत्ता में, वो छोड़ो तुम बताओ। सुदामा, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। साहब सुदामा चुप हो गए, कुछ नहीं भेजा, वो लाए थे चूड़ा की एक गठिया, वो अपने हाथ के नीचे दबा दिया क्योंकि शर्म आ रही थी, इतने बड़े धनवान व्यक्ति को गरीब के घर का अन्न कैसे खिलाऊं। सुदामा को पता नहीं कि भगवान तो भाव के भूखे है, वो कभी धन संपत्ति नहीं देखते। छुपा दिया और छुपा दे, भगवान को तो पता चल गया कि सुदामा कुछ लेके आए हैं, और झपटा झपटी में जोर से वो कठिया थी वो ले ली और खोलियो हो चूड़ा। सुदामा एक बात बताऊं, द्वारका आए हैं कई साल हो गए पर किसी ने आज तक चूड़ा नहीं खिलाया, और आप तो जानते हो मुझे चूड़ा बहुत प्रिय है, मुझे चूड़ा से बहुत प्रेम है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुरंत एक मुट्ठी भरी और भगवान ने अपने मुंह में भर दी, दूसरी मुट्ठी खाली, तीसरी मुट्ठी खाने गए और लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बस पेट में दर्द होगा, कच्चा है, बोलो जैसे कृष्णा। गुस्सा तो आया भगवान, भान है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, तुरंत आंख निकाली और रुक्ष्मणी ने सामने आंख निकाली। ज्यादा गुस्सा मत करिए, कहा क्यों क्या हुआ? अब सामने गुस्सा होता है तो फिर आवाज धीरी हो जाती है, बोलो जैसे। हाँ बकास हुआ तो बोल। कहा प्रभु आपने एक मुट्ठी भर चूड़ा खा लिया और भगवान आपने उसके परिवार की समस्त दरिद्रता को दूर कर दिया, भगवान आपने दूसरी मुट्ठी खा ली उसके लिए भगवान आपने आपका मोक्ष का दरवाजा खोल दिया, भगवान तीसरी मुट्ठी खाई और उसकी 7 पीढ़ी तक की दरिद्रता को दूर कर दिया, भगवान चौथी मुट्ठी खाएंगे ना तो हमें सुदामा बनना पड़ेगा, ये इस बन जाएगा, उसका भाग्य का थोड़ा थोड़ा हमको भी दे दो। भगवान ने कहा जाओ सबने बांट दो, प्रसाद के रूप में दे दिया और सुदामा के दोनों हाथ पकड़ के कहा कि सुदामा मुझे सब पता है। भाभी ने कुछ कहलवाया? कहा कुछ तो कहा था, भूल गया नहीं, हाँ याद आया, एक माह दो पक्ष में दो एकादश होए, माधव मेरे घर में
तो रोज एकादशी होए। कृष्णा मेरी पत्नी ने कहा है हम तो रोज एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान की आंखों से टप 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 अश्रु गिरने लगे। सुदामा मुझे सब पता है। सुदामा के हाथ पकड़ लिया और कहा सुदामा एक बात बोलूं, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं। स्वयं ईश्वर मजबूर होते हैं, कृत कर्म का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। मेरे मित्र याद है गुरुकुल में पढ़ रहे थे, एक दिन लकड़ी लेने के लिए आश्रम से हम जंगल में गए। गुरु माता ने चना दिया था आपको आधा और मुझे भी आधा। मैंने मेरी कठिया तुम्हें दी थी रखने के लिए। बहुत बारिश हुई, हम झाड़ पर चढ़ गए, तुम नीचे चढ़े थे, मैं ऊपर की डाल पर चढ़ा था। अंधेरा हो गया, बिजली हो रही थी, तुमको बड़ी भूख लगी थी और मेरे भाग के चने तुमने खा लिए थे, याद है? सुदामा, जितने चने खाए थे ना उतने वर्ष तक तुम्हारे भाग्य में दरिद्रता भर गई थी। आज वो चना खत्म हो गया, इतने वर्ष अब पूरे हो गए। सुदामा बोले आप क्या बोल रहे, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, कहां से आएगा कि ये हुए कर्म थोड़ी कोई।